हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपकी डिमांड पर ये कॉमिक्स, लौट आई तुरीन, जो कि महाबली भोकाल की कॉमिक्स है। और दोस्तों, ये शुरू करने से पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली कॉमिक्स की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं ये कॉमिक शशांक। संजय गुप्ता पेश करते हैं लौट आई तुरीन। विकास नगर में ये क्या गेंदे के फूलों की बंधनवार? उसे गेंदे के फूल नहीं, गुलाब के फूल पसंद है। इनकी जगह गुलाब के फूलों की बंधनवार लगाओ। जो आज्ञा महाबली। अरे, यह स्वागत द्वार अभी तक तैयार नहीं हुआ, तुम्हें समय का कुछ ध्यान है? जी हाँ महाबली, इस द्वार पर स्वागत संध्या के समय होगा, और आप चाहे तो संध्या तक हम यहाँ ऐसे 20 स्वागत द्वार तैयार कर सकते हैं। आप तो वैसे ही उतावले हुए जा रहे हैं महाबली। वो अच्छा, अब ज्यादा बातें मत बनाओ, अपना कार्य करो। उफ, समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। ही। कैसे होगा सब? आज भोकाल सचमुच बहुत उतावला था, और भोकाल का यह उतावलापन किसी से छिपा नहीं था, ना प्रजावासियों से और ना उसकी पत्नियों से। रूपसी बहन, महाबली को आज आखिर हुआ क्या है? आज वे इतना खुश दिख रहे हैं कि उनके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। सारे भवन को दुल्हन की भांति सजवा रहे हैं, और इस विशेष कक्ष को तो देखो, इसके कोने कोने को तो महाबली स्वयं अपने हाथों से श्रृंगार कर रहे हैं। क्या बात है, मुझे भी कुछ नहीं मालूम बहन सलोनी। आओ स्वामी से ही पूछते हैं। रूपसी और सलोनी को देखकर भोकाल पहले ही बोल उठा, देखो, अगर तुम दोनों मुझे अपने साथ बैठने को कहने आई हो तो कृपया मुझे क्षमा करना। आज मैं तुम्हें एक क्षण भी नहीं दे सकता, क्योंकि आज मैं पूरी प्रजा के साथ उस तुरीन का स्वागत करने में व्यस्त हूँ जो पुनः जीवित होकर यहाँ आ रही है। तुरीन आ रही है? रूपसी और सलोनी को ऐसे लगा मानो उनके मस्तिष्क में सैकड़ों विस्फोट हुए हों। स्तब्धता के समुद्र में खोते उनके मस्तिष्क को भोकाल की आवाज वर्तमान के धरातल पर लाई। अरे क्या हुआ, तुम दोनों इस तरह जड़ सी कैसे हो गई? अरे भाई, मैं तुमसे कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। मैंने सातवें आकाश पर जाकर महामृत्यु देव से अपनी तुरीन की आत्मा को वापस तुरीन के शरीर में डालकर उसे जीवित भी कर लिया है। नोट, इस विषय में जानने के लिए पड़े 7 सवाल नामक सुपर विशेषांक, जो कि चैनल पर जल्दी ही अपलोड की जाएगी। इसकी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अब तुरीन हमारे जीवन में वापस आ रही है। अरे तुम दोनों तो अभी तक स्तब्ध खड़ी हो। अरे भाई, मेरी तुरीन वापस आ रही है। अरे तुम दोनों तो अभी तक स्तब्ध खड़ी हो। अरे भाई, मेरी तुरीन वापस आ रही है। क्या तुम तुरीन के वापस लौटने से खुश नहीं हो? हाँ, मैं बहुत खुश हूं। मैं भी। तो फिर खड़ी क्यों हो, नाचो गाओ, मेरी तरह खुशियां मनाओ। हमारी तरह ही तुरीन भी महाबली भोकाल की पत्नी है, हमारी वह सोत जो हमारे पति की सबसे प्रिय पत्नी है, और सोत चाहे पत्थर की हो, सोत ही होती है। तो क्या हमें अपनी उस सोत की वापसी पर वास्तव में खुशियां मनानी चाहिए? पता नहीं, मेरी समझ में तो यह नहीं आ रहा कि जिस तुरीन की वापसी के आगमन पर महाबली इतने प्रसन्न है, अगर वह आ ही गई तो क्या होगा? क्या महाबली उसी में ही खोकर नहीं रह जाएंगे? क्या तब हम महाबली पर अपना अधिकार जमा पाएंगी? क्या उसके आगमन से हम अपेक्षित सी होकर नहीं रह जाएंगी? ऐसा नहीं होगा, कदापि नहीं होगा, कोई चाहे ना चाहे। तुरीन को तो आना ही था। जिस गजराज का महारानी जी के सवारी के लिए उपयोग किया जाता है, उसे आपकी सवारी के लिए विशेष रूप से लाया गया है। कृपया गजराज पर बैठकर अनुग्रहित कीजिए। महाबली कहीं नहीं दिख रहे सेनापति जी, वे आंखें बिछाए राजमहल में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप चलिए। तुरीन गजराज पर बैठ गई। इसी के साथ महाबली पत्नी तुरीन की जय कर लो। इस चुड़ैल की जय जयकार कुछ देर और कर लो। कुछ देर बाद तो तुम्हें इसकी लाश पर
हाहाकार करना होगा। उस साय के हाथ में थमे यंत्र से निकली किरणें और उन किरणों का शिकार बना वह हाथी जो अपने शांत और सभ्य व्यवहार के लिए प्रसिद्ध था। चिया उफ हो, एकाएक गजराज को क्या हुआ? वह बिदक क्यों गया? ओ, उसने तो महाबली की पत्नी को अपने ऊपर से गिरा दिया। उफ, और अब देखो वह उन्हें अपने पैरों से कुचलने बढ़ रहा है। चिया, मेरे होते महाबली की पत्नी का बाल भी बाका नहीं हो सकता। आओ, आ, धड़ा। अब चिया, तुरीन को बचाने की कोशिश करने वाले खुद ही उस मदमस्त हाथी का शिकार होने जा रहे थे। चिया, आहा, लेकिन वे शिकार हो जाते उससे पहले ही। अपने अत्यधिक भार पर इतना घमंड अच्छा नहीं गजराज, पीछे हटिए। तुरीन थी वह जिसने हाथी को लड़खड़ाने के लिए मजबूर करके एक जीवन बचा लिया था, लेकिन लड़खड़ा कर जल्दी ही संभला था गजराज। चिया, उफ, उस मदमस्त हाथी को छेड़कर तुरीन जी ने अच्छा नहीं किया। वह बुरी तरह क्रोधित होकर उन्हें कुचलने के लिए उनकी तरफ भाग रहा है, और वो हाथी उन्हें कुचल ही डालेगा क्योंकि वे उसके रास्ते से हट ही नहीं रही है। हट जाइए तुरीन जी, रास्ते से हट जाइए। क्यों हटूं? क्या मुझे ऐसे उद्दंडों से निपटना नहीं आता? तुरीन अब तक ऐसे सहस्त्रों उद्दंडों से निपटी है। चिया, और उन्हें सदा के लिए निपटा दिया है। बड़ा तुरीन की उस प्रचंड प्रहार ने गजराज को जमीन पर और उसके क्रोध को आसमान पर पहुंचा दिया। उफ, इसमें तो बला की फुर्ती है, किसी हाथी में मैंने पहले कभी इतनी फुर्ती नहीं देखी। क्या चक्कर है, कुछ समझ में नहीं आ चिया रहा। उफ, ओहो तुरीन, भारी भरकम शरीर वाले गजराज की फुर्ती बढ़ती ही जा रही थी, इसी के साथ तुरीन की मुसीबत भी बढ़ रही थी। उफ, इसकी उद्दंडता पल प्रतिपल बढ़ती ही जा रही है, मुझे इसे तुरंत ही काबू में करना होगा, और उसके लिए ये मोटी मोटी रस्सियां एकदम ठीक रहेंगी। चिया, मोटी मोटी रस्सियों ने हाथी को जकड़ लिया, लेकिन जकड़े ना रह सकी। कड़ाक, ओहो, उफ, सड़ाक, उफ, हर पल के साथ इसकी भयंकरता बढ़ती ही जा रही है। इस तरह तो यह मेरे साथ साथ यहां मौजूद सैकड़ों व्यक्तियों के प्राण ले लेगा, मुझे इसे शीघ्र अति शीघ्र रोकना होगा। परंतु कैसे, कोई वार इस पर प्रभाव डाल ही नहीं रहा, किसी बंधनों में यह बन नहीं रहा। काश मेरे पास मेरा प्रलयंकारी अस्त्र प्रहारा होता तो मैं इस कार्य को चुटकियों में कर देती, परंतु प्रहारा तो इस समय न जाने कहाँ है। ओह, ये समय प्रहारा के बारे में सोचने का नहीं, बल्कि यह सोचने का है कि इस हाथी की शैतानियों पर अंकुश कैसे लगाया जाए। ओह, हाथी को काबू में करने का सबसे उचित अस्त्र होता है अंकुश। उसे काबू में करने के लिए मुझे भी अंकुश चाहिए। मुझे अंकुश का निर्माण करना होगा, और उसके लिए मुझे चाहिए यह बड़े बड़े छेदों वाली मोटी लोह छड़ और भाले का यह मजबूत फल, जिसे मोड़कर और जिसे इस लोह छड़ों के छेदों में फंसाकर बनाया जा सकता है। एक ऐसा काम चलाऊ अंकुश जो इस मदमस्त हाथी को काबू में करेगा। राख राख, उस काम चलाऊ अंकुश ने कमाल दिखाया और गजराज काबू में आ गया। अच्छा हुआ, राज्य में प्रवेश करते ही मेरा सामना इस मदमस्त हाथी से हो गया, और इस बात की परख हो गई कि मेरे हाथों में अभी भी वही दमखम और खोपड़ी में वही तेज धार वाली बुद्धि मौजूद है। महाबली पत्नी तुरीन की जय! एक बार फिर तुरीन की जय जयकार गूंज उठी थी। एक बार फिर उस साय की आंखों में क्रोध का तूफान उमड़ पड़ा था। मैंने तुरीन की शक्ति को बहुत कम आंका, मैंने उसे अबला समझा था, लेकिन वह तो बला निकली, और अब तो उसे उस विचित्र राजरथ पर बिठाकर ले जाने की तैयारी चल रही है जिसमें वे सात अश्व जुटे हुए हैं, जिनके बारे में प्रसिद्ध है कि
उन पर सवारी करने वाला सवार अपने गंतव्य तक अवश्य पहुंचता है, क्योंकि उन सातों अश्वों में यह विशेषता है कि उनमें से जिसकी भी चोट या घाव लगता है बाकी अश्वों की शक्तियां उसे ठीक कर देती है। इस रथ पर सवार होकर तो तुरीन महाबली की बाहों तक पहुंच ही जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी दशा में नहीं होना चाहिए। राजरथ के घोड़े तुरीन को लेकर आगे बढ़ चुके थे, लेकिन अभी वे कुछ ही कदम आगे बढ़े थे कि हिन हिन कड़ाक, उनकी हिन हिनावटों ने सारे वातावरण को हिलाकर रख दिया और एक पल बाद ही उन अश्वों को देखने वालों के कलेजे हिलकर रह गए। हिन ओ, सातों अश्वों ने मिलकर एक ही रूप ले लिया था और वह रूप कितना शैतानी था यह अगले ही पल सामने आ गया। हर्र, एक क्षण बाद ही उस शैतानी रूप का निशाना भी सामने आया तुरीन के रूप में, लेकिन तुरीन तुरीन थी और तुरीन को शिकार बनने में नहीं, शिकार बनाने में मजा आता था। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है, अगले भाग में भी मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।